हेलो दोस्तों दिस इज विशाखा डागर कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंपलीफाइड। नाउ रिसेंटली मीटी हैव लॉन्च डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम टू बूस्ट द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तो सवाल ये बनता है डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम एग्जैक्टली है क्या कैसे काम करती है इसके साथ हमने पहली स्कीम देखी थी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम तो डीएलआई पीएलआई से कैसे डिफरेंट है हम आज की वीडियो में जानेंगे और बाकी देखेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या किया है और क्यों सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इस बार इतने न्यूज़ में है चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में नो दिस वॉज ए न्यूज रिसेंटली बिकॉज मीटी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्की कम से कम हंड्रेड एप्लीकेशन यहाँ पे आई हैं ना दिस वॉज लॉन्च लाइक दिस वॉज अ पार्ट ऑफ इससे क्या होगा नेशनल पॉलिसिन इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रमोशन मिल जाएगी ना तो सबसे पहले जानेंगे कि हमें सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री को इतना प्रमोशन की जरूरत क्या है सेमी कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पे आप फोन है आपका लैपटॉप है ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है ना दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स और जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है वो इसी की हेल्प से ग्रो करने वाली है चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रोबोटिक्स हो या मशीन लर्निंग हो विदाउट हैविंग इनफ पावर इन सेमी कंडक्टर अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्री है ये भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी इस इंडस्ट्री के जो करंट जो पोटेंशियल है दिस इज नियरली 466 बिलियन डॉलर और ये बढ़ के सिक्स बिलियन डॉलर होने वाली है सिर्फ कुछ ही साल में इंडिया एक्सटर्नली इंडिया की नीड और भी ज्यादा है बिकॉज हमारी कंट्री की जो मैन पावर है वो 20 परसेंट जो मतलब जो ऑफ वर्ल्ड सेमी कंडक्टर इंजीनियर्स हैं डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं वो इंडिया में मिलते हैं 20 परसेंट ऑफ वर्ल्ड सेमी कंडक्टर डिजाइन इंजीनियर हाँ वह अगर देखा जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब डिज़ाइन बनाने में जो हमारी कैपेसिटी वो बहुत पुअर है हम बना तो रहे हैं हमारे पास इंजीनियर हैं लेकिन हमारे पास इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कम है हमारे पास इनफ डिज़ाइन इको भी नहीं है ओवरऑल ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई है क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक शॉर्टेज देखी जा रही है वर्ल्ड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की और जिसमें इंडिया इस गैप को कहीं फिल कर सकता है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डिज़ाइन लिख इंसेंटिव स्कीम इसमें कैसे हेल्प कर सकती है ना टू अंडरस्टैंड हम डी ए और पी एल आई के बीच का डिफरेंस जानेंगे उसके बाद हमारे हम पी एल आई में, में देखते थे कि वो जो पी एल आई स्कीम थी वो ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट के लिए थी स्पेसिफिकली सेमी कंडक्टर्स के लिए नहीं थी वो ध्यान रखियेगा वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए इसमें सेमी कंडक्टर्स भी आते हैं लेकिन डीएलआई अभी स्पेसिफिकली सेमी कंडक्टर्स के लिए आपकी आई है एक और चीज पी स्कीम में हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे आफ्टर सम टाइम अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है अगर 100 से 200 हो गया तो एक्स्ट्रा 100 यूनिट जो आपने जनरेट की है उस पर आपको एक तरीके का फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता था कि 6 टू 4 परसेंट जो सेल्स है उस पर आपको बेनिफिट मिलने लगेगा राइट इतना आपको दे दिया जाएगा सेमी कंडक्टर स्कीम में दो तरीके का फायदा होगा एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलेगा यहां पे सिर्फ फाइनेंस मिलता था यहां पे फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों सपोर्ट मिलेगा तीसरा बेनिफिट पीएलआई स्कीम में डिजाइन में कोई चेंज इसका फायदा नहीं होता था अगर आप शूज बना रहे हैं 100 से आपने 200 बनाने शुरू कर दिए तो एक्स्ट्रा 100 शूज पे आपको बेनिफिट मिलने लगेगा ले ले लेकिन इसमें ऐसा नहीं है इस में से उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा जिसकी जो डिजाइन है वो बहुत यूनिक यू है नेशनल प्रायोरिटी को सेटिस्फाई करती है सोशल इससे बेनिफिट हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है या फिर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इससे हो रहा है मतलब हमारी कंट्री को फायदा हो रहा है उन्हीं डिजाइन को वो जो आप नई डिजाइन या नोवेलिटी लेकर आ रहे हो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा तो एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे यहाँ पे डिजाइन आपने कुछ किया नहीं क्या फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्शन बढ़ा दी मतलब ये वो स्कीम थी जो कि प्रोडक्शन इंक्रीज से लिंक थी हंड्रेड से टू हंड्रेड कर दी मिल जाएगा हंड्रेड से वन जीरो वन करोगे तो भी वन पे बेनिफिट मिलेगा हंड्रेड से हंड्रेड रहा हंड्रेड से नाइन्टी वो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पे यहाँ पे ऐसा नहीं है अगर आप बाय द वे अगर आप, मतलब आप हंड्रेड टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी से तो उन हंड्रेड पे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा राइट ना तो ये डिजाइन पे डिपेंड करता है अगर यहाँ पे आपने हंड्रेड से टू हंड्रेड बनाने लगे लेकिन डिजाइन दे, आपकी पुरानी है काम की नहीं है तो कोई फायदा नहीं मिलेगा सो दिस इज नॉट प्रोडक्शन लिंट एलआई में बेनिफिट मिल जाता लेकिन डीएलआई में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा डीएलआई में डिजाइन इज मोर इंपॉर्टेंट जो नेशनल प्रायोरिटी को सेटिस्फाई करे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन बेनिफिट करे सोशल जिसके बेनिफिट हो अब आते हैं बेनिफिशियरी इसके बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे वो कोई कंपनी जो कि नया ऐसी स्कीम लेकर आ रही है जिसे प्रायोरिटी हो कंपनी हो एग्जिस्टिंग कंपनी या स्टार्टअप भी, भी हो सकती है जो नई डिजाइन लेकर आए या फिर आपकी एमएसएमई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं इसमें एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो कंपनी हो उसे डोमेस्टिक स्टेटस मिला हुआ हो इसका मतलब इसकी दो चीजें हैं या तो कोई इंडियन हो जिसने ओन और कंट्रोल दोनों कर रखी हो At least for next years, के मिल रहा है। दूसरा या फिर उसमें इंडियन की जो ओनरशिप हो ऑफ द कैपिटल कम से कम फिफ्टी परसेंट हो तो ये दो आपके क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो ये स्कीम आप में इंप्लीमेंट हो जाएगी चलिए बढ़ते हैं आगे अब आते हैं ये जो स्कीम है जो कि इसको तीन हिस्सों में इंप्लीमेंट किया जाएगा एक तो चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होगा इसमें आपके पास कोई चिप मैन्युफैक्चर करने के लिए अच्छा ध्यान रखिएगा इस अपग्रेडेड स्कीम की वजह से इसका नाम ग्रेडेड एंड प्रीएम्प्टिव अप्रोच है कि पहले से आपको डिजाइन मिल गई तो आप ग्रेडेड लेवल पर बेनिफिट देने लगोगे अब एक ग्रेडेड लेवल पर बेनिफिट कैसा होता है हम नेक्स्ट हिस्से में समझेंगे ग्रेडेड लेवल पर बेनिफिट ऐसे होता है कि पहले आपने डिजाइन की आपकी डिजाइन लोगों को पसंद आ गई तो डिजाइन को लिए तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको बनाने के लिए ना सबसे पहले पहले फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों तो जो टिप, टिप डिज, चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हब बना के देगा जहां पे जाके अपने डिजाइन को बना सकते हो अब डिजाइन आपने देख ली कि काम कर रही है तो अब आप उसको प्रोड्यूस करना चाहोगे मास प्रोडक्शन तो इसमें क्या है जो फिफ्टी ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो आपको रिमवर्स कर दी जाएगी फिर डिप्लॉयमेंट जब आपने बना ली आप इसकी सेल करना चाहोगे तो सेल पे भी जितनी ज्यादा आपकी सेल सेल होगी sale को प्रमोट करने के लिए सेल पे भी है। कि जो हुआ, उसका सिक्स परसेंट या फोर परसेंट जो बेनिफिट है वो एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस तरीके से जो स्कीम है ये बेनिफिट करती है इसका जो टारगेट है वो है एटलीस्ट टू ट्वेंटी को फिफ्टीन से ज्यादा टर्न में लेकर आना है इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी सी आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ये कंप्यूटिंग जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है, वो इसको इंप्लीमेंट कर रही है ठीक है ये था इसके बारे में जानना अब इसके फायदे क्या होंगे इससे पहली बात तो जो हमारा जो डोमेस्टिक नीड है सोशल एंड नेशनल नीड वो प्रमोट होगी एक प्रमोट होगा जिससे हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो पूरा होगा आपका इंपोर्ट का बिल कम होगा तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिशिट है उसको हम डील कर पाएंगे ओवरऑल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं और न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं बाकी आप देखेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए और कौन कौन सी स्कीम एग्जिस्ट करती है एक आपके एग्जिस्ट करती है कॉम्प्रेहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जिसके अंदर यह स्कीम आई है इसके बहुत सारे सब पार्ट हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है कुछ ये सेमी कंडक्टर डिस्प्ले मतलब जब सेमी कंडक्टर फेब्रिकेशन जो आपके सेंटर होते हैं जिसमें ये जिसमेंटर को बनाना प्रमोट करते हैं फिर जो डिस्प्ले लैब्स जो है सेमी कंडक्टर डिस्प्ले लैब्स है इनको मॉडर्नाइजेशन करने की बात चल रही है प्रोडक्शन एंड इंसेंटिव की जो हमने देखी कि किस तरीके से फिफ्टी जो कॉस्ट है वो रिमबर्स कर दी जाएगी फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के बारे में बात करें कि जहां जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैनुफेक्चर कोशिश की जा रही है वहां क्लस्टर बना दी जाए जिससे इकोनॉमी स्केल का बेनिफिट हो सके कि जब एक पार्ट जो चाहिए वो दूसरी कंपनी आसपास अवेलेबल है कि एक कंपनी को दूसरा पार्ट चाहिए तो दूसरी कंपनी है जो वो पार्ट बना रही है इसी तरीके से हम नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक लेकर आए जिसका ओवरऑल सपना ही ये है कि हम सेमीकंडक्टर से डोमेस्टिक नीड तो सेटिस्फाई कर ही सके और कम से कम अपनी जो एक ग्लोबल लीडर भी बन सके साथ में साथ ठीक है तो ये समझा हमने डीएलआई क्या है क्यों हमें सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए स्कीम चाहिए ना इफ दैट इज द केस आपको वीडियो समझ में तो सिलाई को सब्सक्राइब करें बाकी आप पी के बारे में फर्दर डिटेल में जाना चाहते हैं एक एक चीज तो फॉरम आई एस के प्लेटफॉर्म उसकी वीडियो अवेलेबल है उसको जाके आपका खोलना है और देखना है थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than hundred students crack IAS with our Current Affairs classes.